गुड मॉर्निंग एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज मैट्रिसेस. वी हैव टू प्रूव दैट. क्वेश्चन इज शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक. क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? ये क्वेश्चन दो केसेस में होगा. फर्स्ट केस विल बी वी हैव टू प्रूव दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एंड द सेकेंड केस विल बी द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक. देयर विल बी टू केसेस. इन फर्स्ट केस वी हैव टू प्रूव दैट इफ ए इज सिमेट्रिक देन बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक. एंड द सेकेंड केस विल बी If A is skew symmetric, then we have to prove that B dash AB is also skew symmetric. Then first case is prove that if A is symmetric matrix, then B dash AB is also symmetric. तो B dash अगर A symmetric matrix है, तो according to the definition of symmetric matrix, A transpose is equal to A. तो ये डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की. ये चीज गिवन है हमें इस केस में. तो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा. हमें प्रूव क्या करना है? बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी. हमें ये चीज प्रूव करनी है. क्लियर? तो हमें कोई भी चीज प्रूव करनी होगी, कोई भी स्टेटमेंट इक्वेशन प्रूव करनी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन. ये चीज गिवन है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट. क्लियर? तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज. तो रिवर्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा है, A into B transpose is equal to B transpose A transpose. अगर तीन matrices हो तो A into B into C whole transpose किसके equal होगा? Reverse हो जाते हैं matrices transpose में, C transpose into B transpose into A transpose. तो ये है reverse law of transpose of the matrices. यही reverse law हमने इस bracket पे लगाना है, B transpose A B होल ट्रांसपोज. तो रिवर्स लॉ लगाने के बाद पीछे से स्टार्ट करना है मैट्रिसेस को. बी ट्रांसपोज लिख दिया, ए ट्रांसपोज, देन बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज. तो यहां हमने प्रॉपर्टी लगानी है ट्रांसपोज की. तो बी ट्रांसपोज का कुछ भी नहीं हो सकता, वो एज इट इज रहेगा. ए ट्रांसपोज की वैल्यू है हमारे पास बाय द गिवन कंडीशन दैट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए के इक्वल. तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. हम यहां लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज? किसके इक्वल होगा? बी ट्रांसपोज के इक्वल. तो ये प्रॉपर्टी हमने यहां लगा दी, बी ट्रांसपोज ए इंटू बी इसके इक्वल हो जाएगा. ये क्या है इस इक्वेशन की? राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई. यही हमने प्रूव करना था. सेकेंड केस में हमने क्या करना है? If A is skew symmetric matrix, then B transpose AB is also skew symmetric matrix. यानी हमें इस केस में गिवन क्या है कि A skew symmetric matrix है. According to the definition of skew symmetric matrix, we have A transpose is equal to minus A. ये चीज क्या हो गई? गिवन हो गई हमें इस केस में. क्लियर? उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है? बी ट्रांसपोज ए बी इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो यहां भी हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगानी है. कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा. यानी हमने प्रूव क्या करना है? बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक. यानी वी हैव टू प्रूव दैट ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स. यानी नेगेटिव ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी. यानी जो मैट्रिक्स हम स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर रहे हैं उसका ट्रांसपोज हमने उसके नेगेटिव के इक्वल प्रूव कर देना. तो यहां भी हम सेम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज. यहां भी सेम प्रोसीजर चलेगा ऊपर वाले केस की तरह. रिवर्स लॉ लगाना है, तो रिवर्स लॉ के अकॉर्डिंग पीछे से स्टार्ट कर दो.
बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू वी ट्रांसपोज ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज. तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ए क्या दिया हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए हमने यहाँ पुट कर दिया. बी ट्रांसपोज का हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो एज इट इज लिखना है. तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी ट्रांसपोज इंटू माइनस ए इंटू बी. इस माइनस को बाहर शिफ्ट कर दो तो माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी. ये यहां भी हमने यही प्रूव करना था. यानी अगर सिंपल सी चीज है, जो चीज गिवन है उसकी हेल्प लो, जो चीज प्रूव करनी है देखो प्रूव क्या करना है. बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक प्रूव करना था फर्स्ट केस में. तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, जब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा. यानी बी ट्रांसपोज ए बी ये कंप्लीट एक मैट्रिक्स होगा ना, ये कंप्लीट एक मैट्रिक्स होगा. ठीक है, ये सिमेट्रिक कब होगा, जब इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा. यानी बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी. हमने ये चीज प्रूव करनी थी विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. तो हमने यहाँ सिर्फ एक रिवर्स लॉ लगाया. रिवर्स लॉ लगाने के बाद ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज के अंदर प्रॉपर्टी यूज की है ट्रांसपोज की. ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए यूज किया है, क्यों, क्योंकि गिवन था ए ट्रांसपोज इज ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सेकेंड केस में यही चीज हमने देखनी है, बस सिमेट्रिक की जगह स्क्यू सिमेट्रिक आ गया. तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन यूज करनी है. कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, अगर ए ट्रांसपोज उसके उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा. यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ये यहाँ गिवन है. तो ये कंडीशन हम यूज करेंगे इसमें. और प्रूव क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक. यानी बी ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी. तो यही चीज हमने यहाँ प्रूव करनी है. सेम रिवर्स लॉ यूज किया. रिवर्स लॉ यूज करने के बाद ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए ये गिवन था, तो ये भी यूज किया रिजल्ट. उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डबल ट्रांसपोज, तो ये प्रॉपर्टी यूज की है. रिजल्ट इसका भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई. यहाँ ये प्रूव हो गया. हेंस वी कैन प्रूव दैट इफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन बी डैश ए बी इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. केस फर्स्ट और केस सेकेंड को कंबाइन करो तो जो क्वेश्चन था वो पूरा प्रूव हो गया. थैंक यू.